सर्दी के दिन हैं और बदलता मौसम या ठंड लग जाने से खांसी होती रहती है, जुखाम होते रहते हैं। आज का सब्जेक्ट है कि आपको बिना किसी दवा के अपने घर के इलाज से अपनी खांसी को कैसे ठीक करें, और या फिर अचानक ही रात में आपको खांसी लगातार होने लगे या पुरानी खांसी हो गई है, आप अंग्रेज़ी दवा नहीं खाना चाहते, तो उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं अपने घर में ही। आज हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिनके ना कोई खर्चे हैं ज़्यादा और ना ही उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको बहुत खांसी होती है और आप घर पर ही इलाज करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आपका अदरक। आप अदरक का टुकड़ा नमक लगा करके आप मुंह में रख लें और उसे चूसें या उसको चबाते रहें। अदरक का रस निकाल करके आप शहद में मिला करके दिन में 2-3 बार चाटने से आपको बड़ा आराम मिलेगा, आपकी खांसी में तुरंत राहत मिलेगी। दूसरा आइटम है काली मिर्च, सभी के घरों में अक्सर हो जाती है। इसके 2-3 पीस आप मुंह में रख करके चबा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें, और या फिर इनको पीस करके चूर्ण में उसमें शहद में मिला करके आप इसको चाट सकते हैं। इससे आपका पिघला हुआ और जमा हुआ आपका पिघल जाएगा। अगर आपको सूखी खांसी आती है तो भी इससे आराम मिल जाता है। काली मिर्च कफ नाशक होती है और बच्चों को अक्सर लोग बाग अदरक के रस में शहद मिला करके चटाते हैं, उससे आराम मिल जाता है। इससे पाचन क्रिया भी ठीक होती है, आपकी गट हेल्थ भी ठीक रहती है। अगर आप अदरक आपके घर में अदरक या काली मिर्च नहीं है तो थोड़े से पानी में यानी 3-4 चम्मच पानी में 1 चम्मच शहद मिला करके आप पी लें। ठंड में आप थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं, इससे आपकी खांसी में तुरंत राहत मिल जाएगी। आप में आपके पास अगर ये शहद भी नहीं है तो आपके पास हल्दी तो होगी क्योंकि सब्जी आप खाते हैं, तो हल्दी को 1 कप पानी में आधा चम्मच या 1/4 चम्मच आप डाल करके उसे पकाएं, उसका काढ़ा बनाएं और उसको सुहाता सुहाता पी लें, इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। अगर आपके पास दूध है तो आप एक कप दूध में भी इसको पका सकते हैं। आपके घर में अगर लहसुन है तो थोड़ा सा सरसों के तेल में पका करके उसको तेल तैयार कर लें, जब सुहाता रहे तो आप अपनी छाती पर अपनी पीठ पर इसकी मसाज कर सकते हैं। आपके पास अगर मुलेठी है तो आप उसको मुंह में रख करके चूस सकते हैं, उससे भी काफ़ी आराम मिल जाता है। और मुलेठी का चूर्ण बना करके अगर आप रखें तो मुंह में आप उससे चूस लें, या फिर उसको शहद में मिला करके आप उसको चूस सकते हैं, या आप उसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। ये मुलेठी एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है, इससे आपके खांसी जुकाम और दमा इन सब में आराम मिलेगा और आपके फेफड़ों को बल मिलेगा। आप चाय में लौंग डाल करके पकाएं और उसमें काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक, सौंठ नहीं तो अदरक है, और छोटी पीपल भी मिला सकते हैं, आप तुलसी के पत्ते भी मिला सकते हैं। इसको आप दिन में 2-3 बार पिएं। नमक के पानी के गरारे करने से भी खांसी तुरंत रुक जाती है और इस टाइम तो राहत मिल ही जाएगी। अब आते हैं हम एक योग पर जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, जिससे आप लेते ही तुरंत राहत मिल जाएगी, आप अपने घर में बड़े आराम से बना सकते हैं, इसको बना करके रख भी सकते हैं। इसके लिए आप एक पान का पत्ता ले लें, देसी पान होना चाहिए, और काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, अदरक, आप इसको एक अलग से कढ़ाई में 2.5 कप पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा 5 चम्मच चूरा गुड़ का वो आप उसमें डाल लें, इसकी चाशनी बना लें, और फिर जो ऊपर मैंने द्रव्य बताए हैं इन सब को उसमें डाल करके काढ़ा सा बना लें खूब अच्छी तरीके से, और जब इसकी चाशनी सी बन जाए तो इसे ठंडा करके आप कंच की बोतल में भर लें
इसमें से बच्चों को आधा आधा चम्मच, बड़े को एक एक चम्मच आप दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही अच्छा कफ सिरप है, सुरक्षित है। आप कुछ सुरक्षा भी रखें, ठंड के दिनों में अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो सिर को ढक कर के रखें, अपने किसी भी तरीके का कपड़ा है जो आप अपने शरीर को ढक कर के रखें, और धूप से धूप में बैठें, तेज़ हवा में न जाएं, आप तली वली चीज़ ना खाएं, दही छाछ ना लें, पराठे पूरी कचौड़ी डीप फ्राइड ना लें, इससे आपका गला ख़राब होता है, या फिर अगर खाई है तो उसके ऊपर तुरंत पानी ना पिए। आप फ्राइड चीज़ खाने के बाद अगर तुरंत पानी पीते हैं तो आपका गले में खराश बनेगी, आपको कफ बिगड़ जाएगा, आपको खांसी और जुकाम हो जाएगा। तो ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलते चलते एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।